तेरे को भी भाई बहम ही है कि तू सुंदर है, तेरे से ज्यादा तो तेरी वाइफ ज्यादा क्यूट और सुंदर लगती है। अब इसको एकदम ऐसा देखो, सच में कड़वाओ तेरे तुम्हें लग रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज देखो मेरी आंख यहाँ पे, देखो क्या हो रहा दिख रहा हो तो, अरे बाल आ गए, पता नहीं था साढ़े इतने बढ़ रहे हैं ये। देखो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता, मेरे खुजली से हो रही थी। फिर प्रीत बोलती है कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे, फिर मैंने देखा रहा है ये जा रही मोटी, ये देखो चाय वाय के कपों को पता नहीं लेके हर टाइम खाती रहती है। अच्छा लाइट कम होगी, कभी इसके मुंह पे लाइट कम आ जाए तो पहले लाइट चला दो। ठीक है दोस्तों, मैं एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी एक लड़की ने मेरे को कमेंट में बोल दिया कि तेरे को भी भाई बहम ही है कि तू सुंदर है, तेरे से ज्यादा तो तेरी वाइफ ज्यादा क्यूट और सुंदर लगती है। अब इसको एकदम ऐसा देखो, सच में कड़वाओ तेरे तुम्हें लग रही है। ये बन रही है बहुत ज्यादा, ये तेरे को चढ़ाई जा रही है। सुनो मैं एक बात बताऊं, हाँ, तुम्हारे लिए ऐसे कमेंट आते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड इतना क्यूट है, इतना हैंडसम है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या क्या बोलते हैं। मैं तो नहीं चिढ़ता ऐसे, मैं तो कहता हूँ है। हाँ, देखो इसके माथे पे देखो, ये भी आ गई है, ये बुढ़िया हो गई है, ठीक है ना। क्या हो गया? हाँ दोस्तों, क्या हो गया? अपनी तो देख लो, दिखेगा नहीं आपको, अब मैं बताऊंगी। इनके आईब्रो पे ना वाइट हेयर आ गया, बूढ़े बाल सफेद है, मेरे सर में एक भी सफेद बाल नहीं है, बूढ़े हो गए तुम हो गए असली में बूढ़े। तेरी ऐसी बनाऊं तो है, कहा बनाएगा मो बूढ़ो मत कह दियो मुझसे, ना ना क्यों बूढ़ो मत कह दियो, और क्या कहूँ, जवान हूँ मैं। हाँ जवान। तो दोस्तों मेरे पे ना बहुत ही सीरियस वाले दो कमेंट आए थे, तो अभी प्रीत शायद कुछ बनाने के लिए आई है, और मैं प्रीत को धक्के से लेके आई है, कुछ नहीं बनाना था तो मैं आपके उन दो कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, वो शायद अलग अलग लड़कियों के या फिर पता नहीं लड़का, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन कमेंट्स बहुत ही ज्यादा सीरियस थे तो मैं उनका रिप्लाई देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद स्टूडियो में बैठकर। अभी मैं ये वैसे मैंने एक स्टूडियो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, लाइट शायद ऑफ है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये मैंने एक दूसरे चैनल के लिए बनाया था, यहाँ से जलाता हूँ, एक मिनट रुको, देखो तुम्हें जला कर दिखाता हूँ। देखो ये बढ़िया बनाया था मैंने, पर हुआ क्या ना, मेरे को उसी टाइम पे टाइफाइड हो गया और चैनल से रिलेटेड बनाया था, मतलब दूसरे चैनल से रिलेटेड, उसी टाइम पे टाइफाइड हो गया, तो उस वजह से मैंने शायद दो तीन वीडियो ही डाली हैं, आगे भी डालूंगा, तो मैं भी थोड़ी देर में आपके कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं वो कमेंट्स पढ़ देता हूँ, और बेसिकली जो कमेंट्स हैं वो हैं फैमिली इशू से रिलेटेड, ठीक है जी, नॉर्मल बात है एवरीवेयर। तो पहला कमेंट आया है रोशनी सोलंकी का, मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ और पढ़ भी दूंगा, तो पढ़ रहा हूँ मैं। यूट्यूब में कपल्स को देखकर खुशी होती है, पता नहीं ये खुशी हमारे घर में कब होगी। हमारे घर में माँ पापा हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, अब ये हो गया है कि सबका बीपी बढ़ने लगा है और मैं डिप्रेशन की दवाई ले रही हूँ, ये पहला कमेंट है। दूसरा, मेहताब खान, बेसिकली लड़के के नाम से आईडी, बट किसी लड़की ने ही करा है। मैंने हमेशा अपने अम्मी अब्बू को लड़ते हुए देखा है, खासकर पापा ही अम्मी से ज्यादा लड़ाई करते थे, उनकी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जब भी किसी कपल को खुश देखती हूँ खुशी के आंसू आ जाते हैं, पता नहीं मेरे नसीब में भी खुशी लिखी है कि नहीं, फिलहाल तो जिंदगी ना सही से जीने दे रही है ना मरने दे रही है। इस पे 39 लाइक है इस कमेंट पे, दूसरे पे वो कमेंट का वो नहीं आया। तो बेसिकली जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादातर घरों में है, ज्यादातर घरों में क्या ये एक इशू ही है, मैं बताता हूँ वो कैसे। और ये वो इशू है जैसे मान लो कि शादी होती है किसी घर में, एक पति पत्नी में जिस भी तरह की वो शादी के टाइम पे कोई भी दिक्कत होती है, देन उनके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे 12 13 14 15 साल के हो जाते हैं, और जो उस टाइम की जो लड़ाइयाँ थी वो आज भी कंटिन्यू होती हैं। वो क्या कंटिन्यू होती हैं, जैसे
इस टाइम पे वो क्या चीज हो जाता है जो उन दोनों का आपस में जो कपल का वो जो ईगो होता है एक दूसरे में वो क्या होता है बेसिकली के उतनी सारी लड़ाइयों को झेलने के बाद चाहे वो मम्मी हो या फिर किसी का पापा हो वो सारी चीजों को झेलने के बाद जब वो इस टाइम पे आते हैं जहाँ पे उनके बच्चे हो गए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल के तो उस टाइम पे भी लड़ाई वो करते हैं। तो उसका बेसिक रीजन ये है कि वो उन्हीं लड़ाइयों कभी ना आपस में ना देखो किसी की भी ना एक दूसरे के लिए कभी लड़ाई नहीं होगी वो जब तीसरे को एंट्री करेंगे ना तब लड़ाई तभी बन जाएगी। तो बेसिकली क्या है मैंने जहां तक ज्यादातर देखा है वो ये देखा है कि एक लड़की लड़ाई करती है कि वो अब इस टाइम पे क्योंकि एक लड़की के हिसाब से ये होता है कि लड़के के घर वालों ने शायद उसके साथ कभी पहले बुरा किया था तो वो उनको तो एक्सेप्ट नहीं करेगी लेकिन वो अब इन्वॉल्वमेंट चाहती है उस घर में अपने घर वालों की। और जो लड़का होता है यानी कि जैसे कि पापा जो होता है एक मम्मी का हो गया जो जो पापा होता है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए लड़ाई करता है चल ठीक है जो भी यहाँ पे हुआ ठीक है तो मैं इनकी इज्जत क्यों करूँ जब यहाँ की इज्जत नहीं है। तो बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा लड़ाई होती है। कहीं कहीं इशू होता है कि मतलब कि भाई दारू वारू नशा वशा ये सारी चीज़ें वो एक अलग मैटर है लेकिन उसमें वो कभी ये नहीं देख पाते हैं कि जो तुम लड़ाई कर रहे हो वो बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। और 100% केसेस में पता है लोग क्या सोचते हैं कि हम बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं स्कूल भेज रहे हैं वहां पे बढ़िया माहौल दे रहे हैं बढ़िया स्कूल है बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग है बढ़िया टीचर्स हैं तो वो तो बढ़िया ही सीखेगा हम चाहे कुछ भी करें। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चा जो 14-15 साल तक की एज का होता है ना वो कभी भी वो नहीं सीखता है कि उसको स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है वो हमेशा वही सीखता है कि उसके पेरेंट्स उसके घर में क्या चीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान वो नहीं सीखता है जो वो किताबों में पढ़ता है इंसान वही सीखता है जो अपनी आंखों से प्रैक्टिकली होते हुए देखता है। और बेसिकली प्रैक्टिकली होते हुए क्या सबसे पहले किसको देखता है अपने माँ बाप को। अपने माँ बाप को जब कोई बच्चे देखते हैं तो वो उनके लिए वही चीज एक हकीकत बन जाती है राइट। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो कंपैरिजन कर लेते हैं यार हमारे घर में तो ऐसे रहते हैं यार उसके घर में देखना कितने अच्छे से रह रहे अभी तो कम से कम ये चीज ठीक आ गई है बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि हमें ये चीज सुधारनी चाहिए ये चीज नहीं सुधारनी चाहिए राइट। लेकिन सोचो जब सोशल मीडिया पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम पे कैसा होता होगा। उस टाइम आज से 5-6-7 साल पहले चले जाओ क्योंकि यूट्यूब भी इतना ज्यादा वो ग्रो नहीं था उस टाइम पे तो यही था कि जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं यही हकीकत है। इफ इन केस मम्मी और पापा इज फाइटिंग तो वो सही है यही बन जाता है ना क्यों क्योंकि ये शायद होता ही होगा। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि मम्मी पापा इफ इन केस फाइटिंग तो हम दूसरे के घर में सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं कोई व्लॉग कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई किसी भी तरीके से दिखा रहा है यार इनके घर में तो ऐसा नहीं है ये हमारे घर में कुछ तो गलत है राइट। तो बेसिकली मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखो दोनों बच्चे ही हैं चाहे लड़कियां बड़ी बड़ी हुई हैं लेकिन स्टिल उन्होंने कमेंट किया है ये चीज देखते हुए कि मतलब कि हमारे घर में इस चीज की खुशी बिल्कुल भी नहीं है मम्मी पापा आज भी लड़ाई कर रहे हैं और एक की तो शायद मम्मी भी एक्सपायर होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है सभी मम्मी पापाओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को मान लो कि बच्चे जो ये 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए बोल रहा हूं हमेशा 16 साल के बाद वो एक ग्रोथ आ जाती है वो कहते हैं ना सोचने का तरीका आ जाता है उससे नीचे के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ 16 साल के बच्चों तक के लिए बच्चा वो नहीं सीखता जो किताबों से पढ़ता है बच्चा हमेशा वही सीखता है जो वो तुम्हें देखता है प्रैक्टिकली। ये सभी पेरेंट्स से मम्मी पापाओं से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चों के सामने इस तरीके से मतलब कि अपनी गंदी गालियां देना देखो हर कोई गाली देता है वैसे तो हर किसी को देनी आती है राइट। लेकिन अच्छे पेरेंट्स होने का थोड़ा सा देखो कोई ये भी समझ लेगा अबे मतलब कि जैसे मेरे पुरानी वीडियोस पे कमेंट आए भाई कोई नहीं सुनता कोई मतलब कि आप ये ज्ञान व्यान मत दो क्योंकि कोई नहीं सुनता हर कोई अपने तरीके से चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार बट सीधी सी बात है जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी प्रोफाइल पे ये कमेंट आ रहे हैं तो मेरा अंदर से ना मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि यार ऐसी की तैसी यार कोई बोले ना बोले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के बारे में कुछ बोलूँ कोई समझे ना समझे आई डोंट केयर। तो कुल मिला की बात यह है सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों के सामने लड़ाई बड़ाई करना और आप
ये गालियाँ वालियाँ देना, ये सब कुछ ना बंद कर दो। इफ इन केस कोई पेरेंट्स अगर देख रहा है, क्योंकि हमारे वीडियोस को 30 से 40 के बीच वाले भी देखते हैं और 40 से 45 तक की एज के देखते हैं, और ये 45 तक के एज वाले जो होते हैं ना, बेसिकली इसी एज में लड़ाइयाँ होती हैं, 45 से नीचे नीचे। उसके बाद तो जब वृद्धावस्था में, जैसे कहते हैं थोड़े बूढ़े होते चले जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि यार मम्मी पापा को बेसिकली यार जो भी थे मेहर तू ही है, बाकियों की वजह से तो फालतू में लड़ाई करी हमने सबके, उनको उस टाइम पे समझ में आ जाता है। तो कुल मिला के पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए और बच्चों को भी एक चीज समझनी चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो सोशल मीडिया के दौर में हम ये चीज देख लेते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ चीज तो गलत हो रही है, राइट, लेकिन कभी भी हम ये चीज नहीं देख पाते हैं कि चलो ठीक है माँ बाप आज तक इस सिचुएशन में अगर आए हैं तो शायद उनको भी कहीं ऐसा देखना पड़ा होगा, शायद अपने माँ बाप का, तो उन्होंने आज ये चीज सही समझ रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं। तो बच्चों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि चलो ठीक है जो सिचुएशन उनकी लाइफ में है ना, उनको समझ के इफ इन केस तुम्हारे कंट्रोल में कभी चीजें आ रही हैं या फिर तुम उस उम्र में पहुंच गए हो कि तुम चीजों को अगर रोक सको, उनको रोकने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम उस गलत गलत उस चीज को गलत गलत बोलते रहोगे ना, क्योंकि उनकी नजर में तो वो चीज सही है, उनकी नजर में तो ज्यादा वो है ही नहीं उसमें चेंज, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो यही चीज आगे भी देखी और वो ये चीज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो ये चीज जानते हो कि हाँ यार इनका जमाना आज से 20-25 साल ऐसा था, शायद उन्होंने माँ भी ऐसा ही देखा होगा। तो इफ इन केस अगर ये आज ऐसा कर रहे हैं तो एज ए बच्चे हम समझें कि इफ इन केस ये कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से तुम उस प्रेशर को अपने दिमाग पे ना लाओ, ये डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही है, राइट। तो उस जो लड़ाई इफ इन केस आपके सामने हो रही है, मुझे पता है गाली गलौज सब कुछ होता है, बहुत गंदा गंदा होता है, राइट। इफ इन केस आपके सामने वो लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उनको कभी अपने दिमाग में मत लाओ, इस तरीके से छोड़ दो पापा और मम्मी की लड़ाई है एंड दे विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, ठीक है जिस तरीके से भी है। लेकिन बच्चे जो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, उस चीज को ये सोच के कि हमारे घर में खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसी चीज को अपने दिमाग पे प्रेशर बना के रख लिया। सोचो इस एज में बच्चों को इस टीन एज में डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ रही है, और इस डिप्रेशन की दवाई क्यों खानी पड़ रही है, माँ बाप के झगड़े देख के। लेकिन कभी भी वो माँ बाप ये सोच ही नहीं पाते कि जो हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है हमारी वजह से हो रही है, राइट। तो मेरे हिसाब से दोनों का सेम ही है, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा ये चीज के बच्चों के सामने ये जो गंदी गंदी चीजें हैं ये ना करें, क्योंकि वही चीज ट्रांसफर होती है तुम्हारे बच्चों में। और बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा यही सोचते हैं कि इफ इन केस माँ बाप ने कुछ भी करा है, तो बच्चे इसी चीज से बड़े हो रहे होते हैं, वो उनको ये लगता है कि हम जो भी बनेंगे ना माँ बाप से थोड़ा कम ही बनेंगे, लेकिन उन्हीं की सारी चीजें अडॉप्ट करेंगे, राइट। तो ये माँ बाप के लिए है कि जो भी आपके बच्चे कल को बनने जा रहे हैं वो आप ही हो, वो हर चीज वही करेंगे जो आप कर रहे हो आज के टाइम पे, तो ये चीज आपको रोकनी पड़ेगी। और बच्चों के लिए यार देखो इस चीज इस टाइम पे थोड़ी चीजें समझ में आती है तो बोल देता हूँ, अपनी जिम्मेवारी निभा देता हूँ, लेकिन किसी टाइम पे हम भी यही सोचते थे कि यार हमारे घर में तो खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए, राइट। बच्चों को ये है कि यार उस चीज़ को वैसे ही रहने दो, उसका प्रेशर अगर अपने दिमाग पे बनाओगे, डिप्रेशन की गोलियां खाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होनी है, तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस तरीके से ना लो, वो इस एटमोसफेयर से गुजर रहे हैं बट तुम मत गुजरना, ठीक है। तो ये है मेरा इस चीज़ पर रिप्लाई, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और साइनिंग ऑफ नाउ।